क्या आपका भी पिछले कई समय से ये सपना है कि आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर एक दिन जरूर बनेंगे? क्या कई सालों से ये सपना देखने के बाद भी आप आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के इस मेरे पूरे वीडियो में मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली हूँ। मैं आज आपको 5 टिप्स दूंगी पब्लिक स्पीकर के रूप में, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और वो पहला कदम उठाएं ताकि आप अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना पाएं और बेहतर बना पाएं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं मोनिका और आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए 5 बेहतरीन टिप्स देने वाली हूं। कुछ लोग ना वेट करते रहते हैं कि हाँ पब्लिक स्पीकर तो बनना है, लेकिन किसी दिन मौका मिलेगा स्टेज पर बोलने का, किसी दिन माइक हाथ में आएगा तो हम बोलेंगे। वो मौका कभी नहीं आएगा, वो मौका आपको छीनना पड़ेगा, वो मौका आपको लेना पड़ेगा। आपको शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कल कभी नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आपको आज ही से शुरुआत करनी होगी। आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना मोबाइल उठाइए, किसी टॉपिक पर 3-4 लाइन कैमरे पर रिकॉर्ड कीजिए और फिर अपने आप को सुनिए। देखिए कि आप कहाँ कमी करते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं, कहाँ आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उसको और अच्छा बनाइए और जो कमियाँ हैं उनको दूर कीजिए, उनको सुधारिए। बस यही तो करना है, यही तो शुरुआत है, यही तो पहला कदम है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आपके आसपास के जो लोग ऐसे हैं जो आपके अंदर कमियां निकालते हैं, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बेफिजूल की कमियां आप में निकालते होंगे, लेकिन कुछ वाकई ऐसे होंगे जो जेन्युइनली आपको सुधारना चाहते होंगे। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए और उन कमियों पर गौर कीजिए। क्या वाकई वो कमियां ऐसी हैं जिनको आप सुधार सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? उन बातों पर गौर कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए। जब आप अपनी कमियों को पॉजिटिवली लेकर सुधारने लगेंगे, जो लोग आपकी कमियों को गिनाते हैं उस बात को पॉजिटिवली अपने जीवन में लेने लगेंगे और उसका असर अपने जीवन पर नहीं डालकर खुद को बेहतर बनाने लगेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। ऐसे पब्लिक स्पीकर यदि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो जो मेरी तीसरी टिप्स है वो ये है कि आपको टेस्ट देना होगा। जी हाँ, आपको एग्जाम देनी होगी। आपको समय समय पर अपने आप का परीक्षण करना होगा। जब आप कुछ 4-5 लोगों के बीच में बैठते हैं और आप कोई बात कहते हैं तो देखिए कि उनका रिएक्शन कैसा होता है। क्या लोग आपकी बातों को सुनते हैं? क्या वो इंटरेस्ट लेते हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यदि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो थोड़ा सा दूर आपसे भागते हैं, तो फिर आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आप किस तरह की बातें करते हैं। आप कोई नेगेटिव बात तो नहीं करते? आप कोई निराशाजनक ऐसी बातें तो नहीं करते जो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं? ऐसी बातों पर ध्यान दीजिए, उस पर विचार विमर्श कीजिए, थोड़ा मनन चिंतन कीजिए कि कहाँ कमी है। साथ ही ऐसे लोगों को देखिए जिनसे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जिनकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं। उन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरीके से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो किस तरीके टॉपिक पर बात करते हैं और किस तरीके से अपने मत को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे अपनी बात को कहना है, कहाँ आप कमी कर रहे हैं, कहाँ आप कुछ गलत कह देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता है। तो ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे, ये टेस्ट जब आप देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा। जो मेरा चौथा टिप्स है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, वो है आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कितना भी कहे कि वो आपको बहुत अच्छे से जानता है या जानती है, लेकिन आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। आपकी कमियाँ, आपकी खूबियाँ आप बेहतर समझते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कोई कुछ भी आपसे कहे, आपको खुद पर भरोसा रखना है। आपको ये पता है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको ये भी पता है कि कहाँ आप में थोड़ी सी कमी है जिसको आपको सुधारना है। लेकिन आपको अपने जो भरोसा है उसको नहीं डगमगाना है, किसी के कहने से अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है कि मुझ में ही कमी है, मुझे ही कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं करना है।
खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भरोसा रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। जो पांचवा टिप्स है वो ये है कि आपको नई नई चीज़ों को सीखना होगा। जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उनको सीखिए, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए। यदि आप वही पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए और खुद में बदलाव करिए, जहाँ कमी है उसको सुधारिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ताजगी होती है, नयापन होता है, वो सभी को पसंद आता है। तो कुछ नया कीजिए, कुछ यूनिक कीजिए, अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कीजिए और खुद को बेहतर बनाइए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। तो ये थी वो पांच टिप्स जो लोगों के सामने एज ए पब्लिक स्पीकर आपको बोलने के लिए आत्मविश्वास दिलाएंगी और आप एज ए पब्लिक स्पीकर बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों से अपनी बात को कह पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो देखने के बाद आप खुद को पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहे होंगे। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को देखते तो बहुत से लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, खुशी मिलती है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके यदि कोई सुझाव है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। इसी तरह आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।